जैसे एक हमने हेलो एल्केन ले लिया, ये आर एक्स है, और हमने कहा कि इस आर एक्स को आप बदल दो एक्वस के ओ एच की, ठीक है। एक्वस याद रखना, जली, एक्वस जली, के ओ एच के भी क्या कराएंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ओ एच एक्स को हटाकर खुद वहाँ पर लग जाता है, ठीक है। ये होता है हेलो एल्केन से हम कैसे बना सकते हैं एल्कोहल। जैसे आपके एग्जाम में मान लीजिए आ गया कि ब्रोमो मेथेन से बनाइए एल्कोहल, क्या हमने कहा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल की तरह हमने ले लिया कि अगर आपके सामने है ब्रोमो मेथेन, इसको कन्वर्ट करना है एल्कोहल में, एल्कोहल में बदलना है, क्या है ब्रोमो मेथेन है, मतलब कि हेलो एल्केन है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप एक्वस के ओ एच से अभिक्रिया करा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका एल्कोहल। इस तरीके से छोटे मोटे हेलो एल्केन होंगे, एल्कोहल बनाना है तो ये भी आप कर दीजिएगा एक्वस की वजह के साथ, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही यूज होता है, वो है अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा कैसे आप बना सकते हो एल्कोहल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा, अपचयन का मतलब आप सभी जानते हो हाइड्रोजन का जुड़ना। अब हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए कोई तो हमें चाहिए, कोई तो रिएजेंट हमें चाहिए जो हाइड्रोजन को आके जोड़ दे, तो वह रिएजेंट होता है आपका, रिएजेंट आपको याद रखना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, अपचयन कर देता है। अब किसका किसका अपचयन करके एल्कोहल बनाता है, देखिए पहला अगर आपके सामने कीटोन हो, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, कीटोन आप सभी जानते हो ना, कीटोन, कीटोन क्या होता है, कीटोन उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जिसमें डबल बॉन्ड ओ कार्बनिक श्रृंखला में जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड ओ कार्बनिक श्रृंखला में जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे कीटोन। जैसे ये कार्बनिक श्रृंखला है, कार्बन कार्बन कार्बन, और कहीं पर डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है बीच में, बीच में, ये नहीं कि इधर डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है, ऐसा नहीं, हमेशा कार्बन हो, दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो समझ लेना वो कीटोन है। तो अगर कीटोन से अगर आपको एल्कोहल बनाना हो तो डायरेक्ट इस रिजेंट के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, क्या है रिजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो स्टूडेंट्स आपका बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड हटेगा, पहले तो ये आर सी आर ये डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यही ना होता है अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो डबल बॉन्ड हटा, हाइड्रोजन जुड़ा, खत्म। अब इसी तरह एक और है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर उसका उसको आपको कन्वर्ट करना हो एल्कोहल में तो भी ये अपचयन बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आप सभी जानते हो ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ फिर ओ एच ये जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें बदलना हो एल्कोहल में, कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिएगा, यही रिजेंट लेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये क्या करेगा डबल बॉन्ड को हटाकर हाइड्रोजन को वहां पर जोड़ देगा, यही करता भी है ना, तो स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड हटा, डबल बॉन्ड हटा, ठीक है, और यहां पर ओ के साथ एच जुड़ गया, ठीक है, और ये ओ एच आपका निकल जाता है, ये ओ एच आपका निकल जाता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक निकला एक बन गया अपचयन के द्वारा, ये है आपका अगला अभिक्रिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है अपचयन में दो अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आपको नोट कर लेना है, रिजेंट याद रखना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्लियर। सो अब इसको इरेज करेंगे, हम आगे की अभिक्रिया आपको बताते हैं, ये खत्म, थर्ड हेडिंग डालेंगे ग्रिगनाट अभिकर्मक नाड अभिकर्मक अभिकर्मक ले लिया हमने वही एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। इस एल्डिहाइड से अगर हमें एल्कोहल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहला मेथड तो ये होता है कि इसकी आप अभिक्रिया करा दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से स्टूडेंट्स, ठीक है,
जो क्या करेगा, अपचयन करके अल्कोहल बना देगा। अपचयन करके मतलब कि डबल बॉन्ड हटाएगा और हाइड्रोजन को जोड़ देगा, ऐसा ही करेगा। तो हमारा तैयार हो जाएगा अल्कोहल RCOH, खत्म। तो ये देखो एल्डिहाइड से हमारा बन गया अल्कोहल, ये अपचयन कर दिया। और ये अल्कोहल कितने डिग्री वाला है, ये प्राथमिक अल्कोहल है कि द्वितीयक अल्कोहल है कि तृतीयक अल्कोहल है? सर ये है हमारा, ये कार्बन, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये दोस्तों हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया कई बार कि आप 2 डिग्री अल्कोहल बनाइए, 2 डिग्री अल्कोहल बनाइए एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनाइए। तो 2 डिग्री हम कैसे बनाएंगे? अगर आपके एग्जाम में आ जाए 3 डिग्री बनाइए तो कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज करके बना लेंगे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करता है स्टूडेंट्स, ये भी अल्कोहल ही बनाता है लेकिन 2 डिग्री। आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज हम 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाने में करते हैं। लिखिए कॉपी में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज हम 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाने में करते हैं। जैसे ये हमारा एल्डिहाइड है, अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं आपकी बारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, जो कि होता है RMGX, ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसको बोलते हैं RMGX, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्या होगा, ये जो अलग से आर है ना, ये अलग से आ रहे ना, यहाँ पर जुड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं होता। अभिक्रिया को बिल्कुल हट मत बनाइए, पहले तो इसको अल्कोहल बना, पहले तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। RC आप लिखिए RCOH, ये H, सबसे तो पहले इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। हो गया सर, अभी हमारे पास एक ही R है तो एक ही R हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे, ठीक है। जहाँ पर अल्कोहल है वही कार्बन पे ये R आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये R आपको जोड़ देना है यहाँ पर। तो ये जो अल्कोहल बना ये है 2 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज से। तो अभिक्रिया हार्ड था नहीं ना, बस हमने अल्कोहल कर दिया पहले, फिर ये एक R जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में वो कार्बन पे आके जोड़ दिया, तो अभिक्रिया बिल्कुल हार्ड है नहीं। बस पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहाँ पर लगेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री बनाने में, ठीक है। क्लियर आप सभी को? अब क्वेश्चन आया होगा, सर 2 डिग्री तो बना दिया, 3 डिग्री कैसे बनाएंगे, 3 डिग्री कैसे बनाएंगे, आइए वो आपको बताते हैं हम। जगह थोड़ा हो पाएगा यहाँ पर एडजस्ट, नहीं हो पाएगा तो इसको अरेंज करना ही पड़ेगा हमें, आप नोट कर लें। 3 डिग्री आपका दोस्तों बनेगा कीटोन से, ये हमने कीटोन ले लिया, R इधर भी R, ये कीटोन हमने लिया। अगर आप इस कीटोन की अभिक्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX, तो आपका बन जाएगा क्या स्टूडेंट्स, पहले तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए पहले तो बिना कुछ सोचे, RCOH फिर ये R-, ठीक है। अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो अलग से R है, इस R को क्या करेंगे, इसी कार्बन पे जोड़ देंगे, जहां पर अल्कोहल जुड़ा है उसी कार्बन से जोड़ देंगे बस। तो ये हमने एक और R लाकर यहां पर जोड़ दिया, तो ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे जाकर 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे बना, कीटोन से, और 2 डिग्री बनाना है तो एल्डिहाइड से बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज करके, ठीक है। तो ये दो ही तीन ही अभिक्रिया जो आपको बार बार समझनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो इस पे आइए हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं जरा, तो ठीक है, जिससे आपको ये तीन अभिक्रिया तो पहले बिल्कुल फिट हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए प्रैक्टिस कराते हैं, इसको नोट कर लें। तो चलिए प्रैक्टिस करा देते हैं 2 मिनट में, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा और आप भी करिए कॉपी पे। ये है आपके सामने कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड फिर CH3, ठीक है। ये है आपका कंपाउंड, पहले इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया लिथियम एनमोलियम हाइड्राइड से, तो क्या बनेगा। और अगर हमने इसकी अभिक्रिया स्टूडेंट्स करा दिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसका नाम है CH3MGX, तो क्या बनेगा आप बताइए। देखो कर लिया, बहुत ही आसान है। आप देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये अपचयन करेगा, तो अपचयन कैसे करता है, डबल बॉन्ड को हटाकर वहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देता है का CH3COH फिर CH3, ठीक है फिनिश। अगर आप इससे कराओगे अभिक्रिया तो ये दोस्तों क्या करेगा,
कीटोन है, कीटोन आपका 2 डिग्री होता है। कीटोन कीटोन को क्या करता है, 3 डिग्री अल्कोहल में बदल देता है। और कैसे बदलता है, सबसे पहले तो अल्कोहल में बदलो इसको, अल्कोहल में बदल दीजिए पहले तो। ये अल्कोहल में हमने बदल दिया, फिर ये जो R है, R की जगह पर CH3 है ना, इसको कार्बन से जोड़ दो जिससे अल्कोहल जुड़ा है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों तैयार हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, ये अभिक्रिया फिनिश हो गई आपको, ठीक है। देखिए अभिक्रिया हम जो लिखवा रहे हैं आपको, वो लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आप बुक में आप देखोगे क्या होता है, कैसे कैसे प्राप्त करोगे, तो उन सब अभिक्रिया को आप देखोगे तो आपको आसान लगेगा। बिना पढ़े अभिक्रिया को आप क्वेश्चन को करोगे, बुक के आंसर से देखोगे, ट्राई करोगे तो आपसे नहीं। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी देखिए और भी अभिक्रिया है, अल्कोहल की और भी अभिक्रिया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इतना ही आपको बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल की और भी अभिक्रिया देखेंगे, रासायनिक गुड़ देखेंगे। अभी तो हम बनाने की विधि हमने देखा, अब हम देखेंगे रासायनिक गुड़। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप यूं ही हंसते रहे और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।